सभी व्रत और होली की छुट्टियों के बीच मुझे मौका मिला घर जाने का, तो मैं निकल गया सुबह के 4 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए। सन्नाटे सड़कों पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई दे रही थी तो कुछ चलती हुई गाड़ियाँ, सन्नाटा और एक साइलेंट, और कुछ लोग जो कि दूध का काम कर रहे थे। इनकी मेहनत से हमें सुबह चाय मिलती है। फिर मैंने एक ऑटो पकड़ी, ऑटो से मुझे जाना था एक चौराहे तक, जहाँ से मुझे कैब या कोई गाड़ी मिल सकती थी जो मुझे छोड़ता रेलवे स्टेशन के पास। तो ऑटो वाले भैया से बात करी, 10 रुपये लिए, सुबह की 4 बजे भी उन्होंने 10 रुपये लेकर मुझे छोड़ दिया लखनऊ के बहुत ही फेमस चौराहे पे, जिस चौराहे को हम कहते हैं टेढ़ी पुलिया, टेढ़ी पुलिया चौराहे पे। और सुबह यात्रा करने का एक और मज़ा है, सन्नाटी और खूबसूरत हवाओं का हमें अनुभव करने को मिला। तो फाइनली हम आ गए हैं टेढ़ी पुलिया के चौराहे पे। यहाँ पे हमें कुछ गाड़ियाँ दिखी, लेकिन हमने बात करी एक ओला वाले स्कूटर वाले भैया से, और स्कूटर वाले भैया ने मुझे 80 रुपये में टेढ़ी पुलिया से छोड़ दिया एक रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से मुझे यात्रा करना था गोरखपुर के लिए। गेस कि वो रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? ऑब्वियस ही बात है, इन जगमगाती सड़कों पे वो रेलवे स्टेशन मुझे दिखाई दिया, और उस रेलवे स्टेशन के पास ही आपको एक मेट्रो स्टेशन भी दिखाई देगा, और उस रेलवे स्टेशन का नाम है बच्चों बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, जो सुबह भी एक चांदनी रात की तरह जगमगा रहा था। खूबसूरत सा लखनऊ का ये बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़ के अपने गोरखपुर तक की यात्रा करनी है। तो चलते हैं इस बादशाह नगर के रेलवे स्टेशन में, एंट्री लेते हैं बिल्कुल बादशाह की तरह। तो फाइनली यह स्मार्ट हैंडसम सा लड़का बादशाह नगर के रेलवे स्टेशन पे अपने प्यारे कदमों से एंट्री लेता है। लेकिन ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, इसलिए मैं साइड से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि अपने मोबाइल में कम लोगों को कैप्चर करूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा, लोगों को ऑकवर्ड होता है अगर उनकी आप रिकॉर्डिंग करें ऐसे पब्लिक प्लेस पे। तो साइड से, कोने से मैं निकलता हुआ स्टेशन के दूसरे छोर पे जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मुझे वहाँ पे कुछ बैठने की जगह मिल जाए, क्योंकि ट्रेन आने में थोड़ा समय था। तो कोने पे मैंने देखा कि कुछ भैया भाभी लोग एक ऐसे कोने वाली सीट पे बैठे थे, लेकिन उनकी बगल वाली सीट खाली थी। तो मैंने प्रेफर किया कि उस बगल वाली सीट पे मैं जाके बैठूं। तो भैया भाभी तो दूसरे वाले पे बैठे थे, और यहाँ पे केवल मुझे ही बैठना पड़ता था, क्योंकि आई एम सिंगल, सो मेरे साथ कोई है नहीं जो वो बेंच शेयर कर सके। सो फाइनली मैं ऐसे अकेले उदास होके वहाँ पे बैठा और अपने ट्रेन आने का इंतज़ार किया। और थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आने वाली है, और तब तक मेरे अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस भी आ चुका था कि मैं अपने फेस के साथ थोड़े बहुत वीडियो बना सकता था। ओ माई गॉड, व्हाट अ हैंडसम, आई एम लुकिंग दैट टाइम। सो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि चलो लड़का थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो अगर वीडियो बना भी लेता कोई बात नहीं। मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं और लोगों को कैप्चर ना करूँ, ताकि उनको कोई ऑफेंसिव ना लगे, उनको कुछ बुरा ना लगे। तो उन लोगों से बचते बचाते किनारे की तरफ से रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैं आ गया वहाँ पर, जहाँ पर मेरी सीट, मेरी कंपार्टमेंट आने वाली थी, और फाइनली मैं वहाँ पर आ गया बच्चों। जैसा कि स्टेशन पे लिखा था कि मेरी D7 यहाँ आने वाली थी, और मुझे यहीं से D7 में एंट्री करना था। सो मैं यहाँ खड़ा होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, ताकि मैं वहाँ से गोरखपुर के लिए जा सकूँ। और बहुत देर नहीं लगी, कुछ ही समय में ट्रेन फाइनली वहाँ पे आ जाती है। तो ट्रेन आप देख सकते हैं, ट्रेन यहाँ पर फाइनली आ जाती है। मैं वेट करता हूँ कि ट्रेन यहाँ पर रुके, ताकि हम ट्रेन पर बैठे और अपने सफ़र को शुरू कर सके, प्रारंभ कर सके। इस तरीके से रेलवे स्टेशन पे शोर शराबों के बीच, जगमगाती लाइटों के बीच ट्रेन की हमारी एंट्री, और सब लोग अपने सीट को देखने के लिए इधर उधर फैलने लगे। मैं निश्चिंत एक कोने में बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी D7 यहीं आने वाली है, और मेरी सीट तो कन्फर्म है, तो मेरी सीट कौन ही उठा के लेके जाएगा। इसीलिए जब ट्रेन रुकी और चढ़ने के लिए इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, तो मैंने इस भीड़ को अवॉइड किया, क्योंकि मेरा सीट तो कन्फर्म था। तो मैंने सोचा कि चलो भैया, ट्रेन जब फाइनली, भीड़ जब यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो जाएगी, तब हम ट्रेन में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो फाइनली हम थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं, और ये भीड़ को इस गेट से ख़त्म होने का, और अब यहाँ पे भीड़ ख़त्म हो गई है, तो चलिए एंट्री कर लेते, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन हमें ही छोड़ के निकल जाए, क्योंकि मेरी शादी तो है नहीं, और ना ही मैं दूल्हा हूँ कि बिना दूल्हे की बारात नहीं जा सकती। तो ट्रेन निकल भी सकती है, इससे पहले कि हॉर्न बजे ट्रेन निकल जाए, हम अंदर चढ़ जाते हैं। ये था कुछ सीटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ मेरा था सीट बैठने का, और इस तरीके से ट्रेन की अरेंजमेंट। अब यहाँ पे मैं बच्चों ट्रेन में बैठा हूँ, और फिर उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गया हूँ। अब आप देखेंगे 2 घंटे बाद का ये सीन है, क्योंकि मैं बैठा और थोड़ा सा रेस्ट करने के बजाय,
तो 4 बजे 5 बजे गए तो मैं सो गया। और ट्रेन में मुझे मिले ये दो प्यारे बच्चे। जब मैं सोया था तो इनकी वॉइस मुझे बड़ी इरिटेटिंग लग रही थी, परेशान करने वाली, लेकिन बाद में मुझे लगा कि चलो बच्चे थोड़े बहुत तो इंटरेस्टेड हैं। इनके साथ हमने ट्रेन में थोड़ी देर मस्ती करी, खेला और इनके बारे में जानने की कोशिश करी। ट्रेन में इन बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलते हुए फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी और अब हम निकल चुके थे अपने गोरखपुर के लिए। और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा इन बच्चों के साथ। दोस्तों ट्रेन के बीच के सफ़र को कट करते हैं क्योंकि सिर्फ सीट पे जाके रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं होती। फाइनली हम पहुँच गए बच्चों गोरखपुर में। और गोरखपुर में ये दृश्य आपको देखना पड़ेगा, जहाँ एक तरफ आपको मंदिर की दीवारें दिखेंगी वहीं दूसरी तरफ आपको मस्जिद की मीनारें भी दिखेंगी। ये खूबसूरती है उस गोरखपुर के लोकेशन की, ये खूबसूरती है उस गोरखपुर के शहर की, ये खूबसूरती है इस गोरखपुर की। तो फाइनली हम गोरखपुर में प्रवेश कर चुके हैं। टोटल 5 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन बहुत अच्छी थी। बीच में उसके बस 3 स्टॉपेज थे, गोंडा, बस्ती और कोई एक स्टॉपेज था मुझे याद नहीं। तो फाइनली हम गोरखपुर के ये एशिया का सबसे लंबा द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, आप इसे अनुभव भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए भी आपको पैदल चलना बड़ा मुश्किल होगा, मगर हाँ यंग एज में तो डेफिनेटली आप चल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा अनुभव करते हैं गोरखपुर यानी कि एशिया के सबसे लंबे द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पे, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो कुछ इस प्रकार से हमारी एंट्री हुई गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ हम उतरेंगे और शायद यही मेरा आखिरी वीडियो या फिर यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होगी। तो फाइनली हम उतर चुके हैं और 5 घंटे सफ़र करने के बाद मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब और इस तरीके से हम एग्ज़िट करते हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से। और आइए अब हम आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की खूबसूरती। तो जैसे ही आप उतरेंगे इन रंग बिरंगी सीढ़ियों के बीच आप देखेंगे चमचमाती गोरखपुर रेलवे स्टेशन की दीवारें, सफाई बेहतरीन, उत्तम तरीके से लोग बड़े ही प्यारे और अपना लहराता भारत का तिरंगा और खूबसूरत गाड़ियों के बीच, खूबसूरत लोगों के बीच ये शानदार सा शहर गोरखपुर आपका हमेशा स्वागत करता है। ये रहा गोरखपुर का कुछ प्यारा सा दृश्य जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये खूबसूरत नज़ारा है। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच बच्चों अपना प्यारा अस गोरखपुर शहर। और ये देखिए सामने की तरफ आपको होटल दिखाई देंगी और यहाँ पे साइड में आपकी पार्किंग। तो ये रहा कुछ गोरखपुर का शानदार नज़ारा और यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। गोरखपुर में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो रामगढ़ ताल हो, चाहे वो गोरखपुर में बना नया एम्स हो, चाहे गोरखपुर की और मियाँ साहब का आपका फेमस इमामबाड़ा हो या फिर गोरखनाथ की प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। बेहतरीन सी जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर घूमें। गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है, गोरखपुर आप ज़रूर एक बार घूमें। अब प्यारा लहराता अपना भारत का तिरंगा, इसी तिरंगे के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी आएँ गोरखपुर में, इंजॉय करें, घूमें और गोरखपुर से आप अपना अनुभव बताएँ। सो फाइनली हम एग्ज़िट करते हैं गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर से फिर मुझे बस लेके अपने घर की तरफ जाना है। सो अब घर आपको किसी और दिन लेके चलेंगे, फिलहाल यहीं थैंक्स विजिट अगेन, पुनः सेवा का मौका दें। तो जय हिंद जय भारत, वीडियो को ही समाप्त करते हैं।